नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक से एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल चौधरी। तो दोस्तों, आज मैं फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेके आया हूँ। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देने वाला हूँ कि जो व्यूअर अपने घर बैठे वाइन बनाना सीखना चाहते हैं और अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं वाइन के रिलेटेड, तो उनका मैं स्पेशल अपडेट आखिरी वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। तो गाइस, पूरी वीडियो देखना। और एक अपडेट है हमारे फार्मर्स को रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों अगर जरूर देखना। वो अपडेट फार्मर्स के रिलेटेड वो अपडेट आया है, अगर आपको वो अपडेट देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस अपडेट को वीडियो के आखिरी में, मतलब कि सेकंड लास्ट में उसे बताने वाला हूँ। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट आता है एक स्टडी के रिलेटेड। जो स्टडी है दोस्तों, वो है एक सी फूड के रिलेटेड। गाइस, आपको पता ही होगा, पेंडेमिक के थ्रू हमारी सी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था, क्योंकि कोई भी लोग वेजिटेरियन को ज़्यादा, कोई भी लोग मतलब कि नॉन वेज को प्रेफर नहीं कर पा रहे थे, एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन फूड। लोग वेजिटेरियन फूड की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो करा क्या है कि अभी जो हमारे फूड इंडस्ट्री वालों ने कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं फूड सी फूड में, क्योंकि वो इस सी फूड को रिवाइव करना चाहते हैं। और अगर मैं आपको गाइस एक फैक्ट वाली बात बताऊं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सी फूड में, थर्ड लार्जेस्ट, जो कम से कम $3 बिलियन का एक मार्केट है अपनी इंडिया, $3 बिलियन का, सॉरी $6 बिलियन का ये पूरा मार्केट है। तो वैसे ये $6 बिलियन को रिवाइव करने के लिए, अच्छी तरह उसे और इन्हांस करने के लिए, तो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं और सी फूड को रिवाइव करके उसे एक नए पोजीशन पर पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगला अपडेट आता है हमारा फजाई को लेके। फजाई मतलब कि FSSAI को लेके, गाइस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा इनके बारे में, कुछ ना कुछ नई गाइडलाइंस लेके आती रहती हैं। तो वैसे ही कंप्लाइसिस निकाली हुई थी हमारे कॉमन साल्ट के लिए, जो कि उन्होंने आखिरी डेट बताई थी कुछ 1 जुलाई को, तो अब वो एक्सटेंड करके 1 जनवरी 2021 को कर दिया है। मतलब कि अब एक अगले साल की 1 तारीख तक वो जो एप्लीकेशन जो भी उनका होता है, ये गाइडलाइन होती है कॉमन साइंस के रिलेटेड, वो उन्हें एक्सटेंड कर दी है डेट को। दोस्तों, अगला अपडेट आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक फ्रूगल बोतल को लेके। फ्रूगल बोतल गाइज, ये वो बोतल है जो कि पूरा रिसाइकल मटेरियल से बनी है और नॉर्मली और यूज होने वाली है हमारी डिस्टिल इंडस्ट्री को लेके। डिस्टिल इंडस्ट्री होती है जो कि गाइज अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती है, जैसे वाइन होगी, हमारी बियर इंडस्ट्री होगी और हमारी अल्कोहल इंडस्ट्री होगी। तो उन्होंने क्या करा है, एक ऐसी प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम फ्रूगल बोतल रखा है, जो कि आपको इधर यहाँ पर तस्वीर आपको दिखी जाएगी। वो कम से कम 95% रिसाइकल प्रोडक्ट से बना है, पेपर बोर्ड से बना है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, ये उन्होंने फ्यूचर प्रडिक्शन के अनुसार ये प्रोडक्ट निकाला है। सबसे पहले इसका फायदा क्या है, जो बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेंट मीडियम बन जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी इसमें बियर होती है हमारी, वो चिल्ड हो जाती है। दूसरा है गाइज, ये इजी रिसाइकल हो सकता है। तीसरा है गाइज, ये इजी प्रिंट हो सकता है। चौथा है ये गाइज, ये सिंपल है और कम रेट पे, मतलब कि इंडस्ट्री वालों को कम रेट पे ये मिलता है और इजी इजीली हम इसे बना भी सकते हैं, अगर इंडस्ट्री अपना यूनिट अपनी साइड पे लगा सके, वेस्ट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं इसे अपने मेन प्रोडक्ट की तरह। तो अगला अपडेट आता है एक रेगुलेशन की तरफ, प्लास्टिक की रेगुलेशन। गाइस, एक नया न्यूज आई है कि अभी प्लास्टिक को रिलेटेड काफी रेगुलेशंस लगने वाली है ड्यू टू पेंडेमिक के दौरान। वैसे ही बताया जाएगा कि प्लास्टिक का कैसा प्रयोग किया जाता था। पहले प्लास्टिक को ज्यादातर आपने देखा पीवीसी यूज होते हैं, एचडीएफसी, सॉरी एचडीएफसी बोल रहा हूँ, एचडीपीई हमारे प्लास्टिक यूज होते हैं, एलडीपीई यूज होते हैं। तो इनके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं हमारे एफसीआई वालों ने, तो इसके रिलेटेड भी कुछ ये नॉर्मल सा अपडेट था। अब आते हैं गाइस हमारा मेन अपडेट, जो सेकंड लास्ट अपडेट था फार्मर को रिलेटेड। गाइस, फार्मर को रिलेटेड ये अपडेट आया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक अपना प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम रखा है सपनों की उड़ान, जो कि हमारे आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंडर आती है। तो उन्होंने कम से कम फार्मर्स को पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करते हुए उन्होंने कहा है कि वो ट्रांसपोर्टेशन से लेके स्टोरेज तक फार्मर को 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, 50% तक सब्सिडी। तो गाइस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जो कि पोस्ट मतलब होता है बाद का, हार्वेस्ट मतलब होता है जो काटने के बाद आपके जो लॉसेस आते हैं,
उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इन्होंने इन्वॉल्व करी हैं, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद नॉर्मली इन्होंने 18 फ्रूट्स और वेजिटेबल को इन्वॉल्व करा है, जिसमें से नॉर्मली हमारे 3 वेजिटेबल ये है जो कि कॉमनली यूज अप दिखती भी होंगी, हमारे प्याज हो गए, हमारे टमाटर हो गए, हमारे आलू हो गए, मतलब कि टमाटो और ऑनियन, टमाटो और पोटैटो। तो 18 हमारे बाकी बचे हुए जो है वो फ्रूट्स, नॉर्मली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को उगाना शुरू करें, इसी इसके लिए उन्हें थोड़ा प्रॉफिट भी पहुंचेगा फार्मर्स को और इंडस्ट्री भी थोड़ी रिवाइव होके ऊपर उठेगी। तो गाइस सबसे आखिरी अपडेट आता है हमारे वाइन लवर को लेके। गाइस मैंने बताया कि अगर आप घर पे वाइन बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी काम है। तो गाइस उनके लिए एक स्पेशल बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। उनके मेन है कि सोनल, उनके मेन हेड है सोनल होलैंड वाइन एकेडमी। तो गाइस ये एकेडमी के जो सोनल होलैंड है, होलैंड मिस्टर होलैंड हमारी इंडिया के बेस्ट वाइन मैन्युफैक्चरर एजुकेटर है, मतलब कि इनसे ज़्यादा हमारे मतलब कि कंट्री में कोई भी एजुकेटेड नहीं है वाइन इंडस्ट्री को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एक लॉन्च करा है अपना कोर्स जो कि 60 मिनट का होगा, और उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर दीजिएगा, आपको सोनल होलैंड वाइन एकेडमी करके सर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, उनके बारे में डिटेल दी होगी। और इस कोर्स की प्राइस है 2200 रुपये। 2200 रुपये में गाइज आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कैसे हम वाइन को इजीली घर पे बना सकते हैं। तो बस गाइज यही थे आज के अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छे लगे हों, बेहतरीन लगे हों, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अपडेट आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।